फणीश्वरनाथ रेणु, फणीश्वरनाथ रेणु 4 मार्च 1921 ओराही हिंगना। इनका जन्म हुआ फारबिसगंज 11 अप्रैल 1977 को उनकी मृत्यु हुई। एक हिंदी भाषा के साहित्यकार थे। इनके पहले उपन्यास मैला आंचल को बहुत ख्याति मिली थी, जिसके लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मुख्य उपन्यास हैं मैला आंचल, परती, परिकथा, जुलूस, दीर्घ तपा, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड आदि। कथा संग्रह एक, आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, अग्निकोर, अच्छे आदमी, रिपोर्टाज, ऋण जल धन जल, नेपाली क्रांति कथा, अपन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्वे। प्रसिद्ध कहानियां हैं इनकी मारे गए गुलफाम, तीसरी कसम, एक आदिम रात्रि की महक, लाल पान की बेगम, पंच लाइट, तवे एकला चलो रे, ठेस संबदिया आदि। तीसरी कसम पर इसी नाम से राज कपूर और वहीदा रहमान की मुख्य भूमिकाओं प्रसिद्ध फिल्म बनी, जिसे बाबू भट्टाचार्य ने निर्देशित किया और सुप्रसिद्ध गीतकार शैलेंद्र इसके निर्माता थे। एक फिल्म हिंदी सिनेमा में मील का पत्थर मानी जाती है। हीरा मन और हीरा बाई की इस प्रेम कथा ने प्रेम का एक अद्भुत महाकाव्यात्मक पर दुखांत कशक से भरा आख्यान सरचा, जो आज भी पाठकों और दर्शकों को लुभाता है। सम्मान, अपने प्रथम उपन्यास मेला आंचल के लिए इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पुस्तक फणीश्वरनाथ रेणु का कथा शिल्प विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के ग्रांट से प्रकाशित 1990। लेखक रेणु शाह। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज कमेंट जरूर करें, जिससे मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही कथाकारों के साहित्यकारों की जीवनी लाता रहूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब करो, प्लीज़ कमेंट करो। थैंक यू।